पिछले कुछ दिनों से समाज में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और जिसका विषय मेरे ऊपर है, तो इस बात को लेकर के मैंने अभी तक किसी को कुछ अपने बारे में नहीं बताया था, मैंने अपनी सफाई नहीं दी थी। तो कल शाम को मेरा विचार बना कि मुझे अपनी बात मीडिया के माध्यम से कहनी चाहिए, इसलिए आप सबको बुलाया। तो क्या मामला है जी? आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं पर्चे बांटने के भी, आपको बताया जा रहा है कि आपने किसी बच्चे के करैक्टर पर भी उंगली उठाई, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। देखो जी, मेरा तो इन मामलों से कोई लेना देना है नहीं, और बाकी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं पुलिस को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। परसों भी मैं 3 घंटे DSP साहब के पास प्रतीक्षा करता रहा, मेरी स्टेटमेंट या मेरे से कोई पूछताछ करनी हो। जोगेंद्र सिंह जो रीडर साहब हैं, उन्होंने लास्ट में 3 बजे मेरे को बताया कि काम के कारण साहब बिजी हैं, जब भी वक्त होगा आपको बुला लिया जाएगा, हम अपने लेवल पर तफ्तीश चल रही है। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि पर्चे जैसे तफ्तीश का विषय है, मतलब आपने नहीं बांटे? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीधा सीधा आरोप आप पर लगाया गया कि महापंचायत हुई है उसमें बोला गया है कि आपने पंपलेट बांटे हैं, आपने पैसे की डिमांड की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो पुलिस ही खुलासा करेगी कि डिमांड की है, वहाँ उनके CCTV कैमरे लग रहे हैं, RDR जिसको आप लोग लोकेशन ट्रेस करना कहते हो, तो वो तो पुलिस निकाल के लाएगी कि मैं उनके वहाँ गया, पैसे मांगे, किसके सामने मांगे, या कोई सबूत किसी तरह का, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं तो इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी एक ऑडियो भी वायरल हुई है कल महापंचायत में, सुनाई गई है, उसका क्या मामला? ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है, इस ऑडियो के बारे में संदिग्ध है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपके हिसाब से पूरा मामला है क्या, फिर आप तो सारे चीज़े मना कर रहे हैं? मामला मेरे तो मैं पहले कह चुका हूँ कि समझ से बाहर हो रहा है। अभी तक इसकी जो विषय है ना, वो समझ में नहीं आ रहा कि लड़की के चरित्र को लेकर बात चल रही है या प्रधान पद को लेकर बात चल रही है। कल की पंचायत में आपने नोट किया होगा, ज़्यादातर वक्ताओं ने कार्यकारिणी पे दबाव बनाया, इस्तीफे दे दो, और डरा धमका के कार्यकारिणी से इस्तीफे ले लिए। आज मेरे जो सेक्रेटरी हैं वो अपने साथ बैठे हैं, इन्होंने आकर के बताया कि भाई ऐसे ऐसे दबाव बना दिया और मैं क्या करता भीड़ में। ऐसे ही हमारे जो बाकी सदस्य थे उन्होंने भी यही बात कही, लेकिन अब अमर सिंह जी की, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उनके उन्होंने मेरे खाए के गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, मैं बाद में आके दे दूंगा, त्याग पत्र वापस ले लूँगा, और सेक्रेटरी साहब अपना त्याग पत्र वापस कर रहे हैं, कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मामला लड़की से जुड़ा हुआ है या मामला प्रधानी से जुड़ा हुआ है। ये तो जांच के बाद मामला सामने आएगा। तो आप अपने पक्ष की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसी शिकायत को लेकर के, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इसी शिकायत को लेकर के 25 मार्च को सुबह 9 बजे के लगभग वो सब लोग मेरे घर आए थे, 8:30 बजे। मेरा सारा परिवार उपस्थित था, घनश्याम का सारा परिवार उपस्थित था, और ये बातें चली जो मैं जैसे कह रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन घनश्याम के भाइयों ने, घनश्याम के लड़की के ससुराल पक्ष वालों ने, खुद लड़की ने, मेरी बात शुरू होने से पहले ही, मैं जैसे ही मेरे गेट से निकला, निकलते ही मेरे को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। आपके साथ मार पिटाई हुई? मेरे साथ भयंकर मार पिटाई हुई। मेरे गले में सोने की चैन थी, आप देख रहे हो नहीं है, मेरे ससुराल से जो मुझे चैन मिली थी मैं हरदम पहनता हूँ, मेरी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, जो है उन फोटो में वो चैन है, आज मेरे नहीं है। तो मैंने फिर जो है ना मेडिकल करवा के पुलिस में शिकायत दी, लेकिन घनश्याम ने ये कहा कि चाचा जी जब फैसला हो गया था, बात खत्म हो गई थी पंचायत में घर पे, तो आपने शिकायत क्यों करी? मेरे परिवार के और रिश्तेदार के कहने से मैंने 8 घंटे बाद शाम 7 बजे जाकर के वो एप्लीकेशन वापस ले ली, और इस पंचायत में जो मेरे घर पे पंचायत हुई थी उसमें मेरा दोष नहीं था। लेकिन यदि किसी का घर बसता हो, घनश्याम ने यह कहा था कि अपने परिवार का मामला है, अपनी बच्ची का मामला है, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, आप अगर थोड़े से विनम्र पड़ जाओगे, झुक जाओगे, तो बच्ची का घर गृहस्थी का सवाल है, आप मेरे कहने से मान जाओ। तो मैंने उन रिश्तेदारों से माफ़ी मांग ली, पिटने के बावजूद भी मैंने उनसे माफ़ी मांग ली कि मेरा दोष नहीं है। उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो मैं स्वीकार करता हूं आपकी भावनाओं को, अगर मेरे किसी क्रियाकलाप से आपको ठेस लगी है, आपका मन आहत है, तो मैंने उस समय क्षमा याचना कर ली थी। जिस समय लीलाराम प्रधान पूर्व नगर पालिका, मेरे परिवार के अक्खीराम पूर्व प्रधान नगर पालिका,
मेरे परिवार के एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो पंचायतों के माने जाने व्यक्ति हैं, उमराव सिंह सैनी, वो भी उपस्थित थे उस दिन उस पंचायत में। आप जो सवाल करोगे आगे मैं खुद ही कर देता हूँ। उस पंचायत में आप उन तीनों व्यक्तियों से पूछना कि रुपए का कोई लेना देना नहीं था। फिर बाद में मेरे पास एक क्लिप आई आप साथियों के माध्यम से कि उसमें मेरे पे आरोप लगाया कि 30 लाख रुपए मांगे गए। फिर मैंने ये बात उन लोगों से तस्दीक की अखी राम से लीला राम से कि भाई उस दिन आपके सामने, उन्होंने डिनाइड किया, मना किया कि भाई हमारे सामने तो रुपए की बात नहीं आई थी। कल की पंचायत में फिर मैंने एक क्लिप और देखी है, उसमें एक जगह 60 लाख रुपए बोले जा रहे हैं, एक जगह 30 लाख रुपए बोले जा रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि आपने मांगे। अगर मैंने मांगे होंगे तो वो बात सामने निकल के आएगी। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रही है और मैं हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। उनका ये कहना है कि भाई जैसे एक मीटिंग काटने की बात कही जा रही थी तो आपने मीटिंग नहीं काटी, उस पर भी काफी विरोध है। घनश्याम जो कि लड़की का बाप है, सेक्रेटरी साहब के पास गया था, उन्होंने एक अप्लीकेशन मीटिंग काटने के बाबत दी थी कि हम 7 अप्रैल को सैनी सभा में मीटिंग करना चाहते हैं। प्रधान जी ने उस एप्लीकेशन को पढ़ करके समझ करके इन्हीं को वापस आदेश करा कि 11 आदमियों की जो कार्यकारिणी है उनकी सलाह ले लो और 3 दिन का समय देके एक मीटिंग कॉल कर लो। चूंकि 7 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में सीएम साहब की भी मीटिंग है तो 11 आदमियों की जो कार्यकारिणी है उससे सलाह सम्मत कर लो कि 7 की बजाय 6 को करें या 8 को करें, या करें या नहीं करें, क्योंकि एक सामाजिक मामला है और इसकी शिकायत एसपी को हो चुकी है। तो इसमें सैनी सभा, जब मामला कानून के गिरफ्त में जा चुका है तो सैनी सभा इसमें हस्तक्षेप करे या नहीं करे ये सारे बैठ के फैसला कर लो। इससे पहले कि कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाते कोई फैसला हो पाता मीटिंग करें या ना करें, नेक्स्ट डे उसी से अगले दिन ही, जिस दिन वो एप्लीकेशन दे के गए उससे अगले दिन ही सैनी सभा के सामने धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। तो जब मामला एसपी या पुलिस के उसमें चला गया दायरे में और धरना शुरू हो गया तो फिर प्रधान जी और कार्यकारिणी का तो औचित्य ही खत्म हो गया। जब कल महापंचायत हुई थी तो आपको वहां पे बुलाया नहीं गया? हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, ना हमारे पास कोई टेलीफोन आया। अगर बुलाते तो हम जरूर जाते और अपना पक्ष रखते। एक सैनिक सभा के स्कूल पे भी ताला लगा हुआ है, उसको लेकर आप क्या, स्कूल में आपका क्या रोल था? जैसे स्कूल में मैं चेयरमैन था 20 दिन पहले हमारा जो खजांची है ओम प्रकाश हलवाई, हमारा जो प्रधान है कैलाश चंद टेंट वाला, हमारा जो डिप्टी सेक्रेटरी है अमर सिंह, ये तीनों ही मेरे से मिले थे और यूं बोले जी आप समय नहीं दे पा रहे स्कूल को, एडमिशन का समय चल रहा है, टीमें बनाओ, बच्चों के घर घर पहुंचना है, सभी स्कूल मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तो मैंने उनको बिल्कुल क्लियर साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे 8 बजे डिजिटल अटेंडेंस लगानी होती है, 2:30 बजे छूटता हूँ, आफ्टर दैट मुझे आराम भी करना होता है, फिर दूसरे काम भी होते हैं, तो मैं समय नहीं दे पाऊँगा, इसलिए आप स्कूल की जिम्मेदारी संभालो। मैंने ये जिम्मेदारी सदस्यों की सलाह से उप सचिव अमर सिंह जी को सौंप दी थी, चाबियाँ भी और जिम्मेदारी भी, और टेलीफोन करके स्टाफ को भी कह दिया था कि आज के बाद ये रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी बात कोई शिकायत किसी भी प्रकार की वो अमर सिंह जी से कहें आप। तो ताला तो अभी तक नहीं खुला है सर स्कूल का, ताला इसलिए लगा हुआ है, टाइम चल रहा है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्या देंगे? ताला इसलिए लगा हुआ है चूंकि धरना 2 दिन तक स्कूल के गेट के सामने ही था, उन्होंने ताला खोलने ही नहीं दिया, ताला खोलने नहीं दिया तो बच्चे प्रतीक्षा करके चले गए, स्टाफ वाले घंटा आधा घंटा खड़े रहे, फिर उन्होंने फोन वोन किए तो हमने ही कहना पड़ा भाई अगर हम मारपीट और झगड़े पे उतारू हम तो हो नहीं सकते। इन्होंने पहले भी एक बार ऐसे ही पूर्णमल प्रधान जी के समय में 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, एक पंचायत सी करी और ताला तोड़ लिया और कुर्सी पर बैठ गए, फिर बैंक में बैंक वालों से मिलके वो खाते ऑपरेट करवा लिए, खाते ऑपरेट करवाने के बाद लेन देन कर लिया, जिसका जो मास्टर दिनेश कुमार जो नाम है उनके ऊपर फिर सैनी सभा ने केस किया, लाखों रुपए के हेर फेर का गबन का मामला कोर्ट में चल रहा है दिनेश सैनी के ऊपर, जो कल की महापंचायत में सबसे ज्यादा और धाड़ धाड़ के सफाई दे रहे थे या न्याय की मांग कर रहे थे। हम तो कार्यकारिणी में उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को कार्य मेंबरशिप रद्द करनी चाहिए, यह ऐसा प्रावधान है संविधान में कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है और वो सिद्ध होता है
तो हमने कोर्ट के निर्णय के इंतजार में उसकी मेंबरशिप रोकी हुई है। गवाही चल रही है, पिछली तारीख थी 28 मार्च, 28 मार्च को गवाह के रूप में मैं उपस्थित हुआ था, आधी गवाही हो चुकी थी और माननीय जज साहब मलिक साहब की कोर्ट में मामला है, तो जज साहब ने यह कहा था भाई रिकॉर्ड लेकर के आओ, फिर अगली तारीख दे दी गई। तो दिनेश भाई को तो अपना दर्द है क्योंकि उनके गबन सीधे सीधे साबित हो रहे हैं, जैसे कि वो एक क्लिप में बोल भी रहे हैं कि मैं भी सैनी सभा का प्रधान था। आप DRO परमानेंट सोसाइटी नारनोल से पूछ सकते हैं, वर्जन ले सकते हैं, क्या कभी दिनेश सैनी प्रधान रहा है? पूर्णमल के बाद कौन प्रधान रहा है? दिनेश सैनी एक दिन भी सैनी सभा का प्रधान नहीं रहा। दिनेश सैनी ने अपने कुछ साथियों को लेकर के पूर्णमल के कार्यकाल में ताड़ा तोड़ करके कुर्सी हथिया ली थी और खाते ऑपरेट कर लिए, लेन देन कर लिया, जबकि वो प्रमाणित ऑथेंटिक प्रधान नहीं थे, मान्य नहीं थे। DRO रजिस्ट्रार नारनोल ने उनको प्रधान नहीं मानना था, फैसला विचाराधीन था कि किसकी प्रक्रिया सही है। बाद में फैसला पूर्णमल के पक्ष में आया, मार्च 2015 में पूर्णमल को प्रधान माना गया, फिर उन्होंने अपील अपर कोर्ट में की, वहां भी फैसला पूर्णमल के पक्ष में आया कि पूर्णमल ने जो कार्य प्रणाली अपनाई है, जो सिस्टम अपनाया है, वो सही है और इनकी कार्यकारिणी जायज है। 2019 में चुनाव हुए जिसमें प्रधान जी चुने गए, 2022 में पुनः चुनाव हुए 12 जून को, उसमें प्रधान जी पुनः चुने गए। इन लोगों को पिछले 14 साल से प्रधानी को लेकर के बड़ी भारी कशमकश में है। तो सर एक बात में पूछना चाहूंगा आपसे कि सुनाई में आया है कि जिस बच्चे के साथ ये चीजें हो रही हैं, उस बच्चे का रिश्ता भी आपने करवाया था और आप पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस पर मेरे पास कोई प्रमाणित बात तो है नहीं। आरोप लगाने के लिए कोई भी आदमी कुछ भी कह दे, करोड़ रुपए मांग लिए, 10 करोड़ मांग लिए, तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर मैं कहीं दोषी पाया जाता हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं, जब सारे परिवार वाले आए थे और आपके साथ मारपीट आई हुई, तो उनसे पूछा नहीं कि क्यों मार रहे हो मेरे को? पूछा ना, सारे परिवार ने पूछा, लेकिन एक बच्ची का घर बस जाए, परिवार का मामला था, समाज का मामला था, और चूंकि हम समाज की अगुवाई करते हैं, पिताजी प्रधान है, इसलिए झुकना पड़ा। कई बार गलती न होते हुए भी आदमी को बैकफुट पे जाकर के झुकना पड़ता है। अगर आपका यह मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? हमारी तो कार्रवाई है कि जैसे कल की महापंचायत में कोई ये कह रहा है जी गधे पे बैठाएंगे, कोई ये कह रहा है काला मुंह करेंगे, बगैर किसी रिजल्ट तक पहुंचे किसी आदमी को मुजरिम घोषित करना, ये तो आप सब लोग कानून के जानकार हैं। किसी को मारने की चेतावनी देना, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई मुंह काला करने की धमकी दे रहा है, कोई बहिष्कार की धमकी दे रहा है, जबकि रिजल्ट कोई अभी आया नहीं है। और मैं बार बार पुलिस के पास जा रहा हूं अपना पक्ष रखने के लिए, और आज भी तैयार हूं, आगे भी तैयार रहूंगा। तो सर रोडमल सर आपने कल इस्तीफा दे दिया था और फिर आपने अपना इस्तीफा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा था कि उस टाइम वहाँ भीड़ वगैरह ज्यादा होने के कारण कुछ और मामला बढ़ सकता था, समाज का मामला था, इसमें आकर के हमने इस्तीफा देना पड़ा, जबकि मैं काम का इच्छुक हूँ काम करने के लिए। तो अभी आप अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। तो आपके ऊपर जब दबाव बनाया गया था जी, किन लोगों ने बनाया था? समाज के लोग थे वही, जैसे वहाँ प्रचार जो कर रहे हैं, मांग जो कर रहे हैं। इस्तीफा किन को सौंपा था? उन्हीं को मैंने साइन करके दिया। अच्छा, तो कितने लोग थे इस्तीफा देने वाले आपके साथ, कौन कौन थे जिस टाइम? मैं था और एक कैलाश भाई थे, और एक वो लंगड़ा वाली से भी थे, वो हमारे बाद में पहुंचे हैं, तो बाद में आए थे। ठीक है, प्रधान जी आपकी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया सभी लोगों ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे को कहना हूँ, मैं तो इस्तीफा मंजूर करूँ, कोई नहीं विचार करूँगा। मेरी कार्यकारिणी ने जो इस्तीफा दिया है इस पर मैं अपना विचार करूंगा, और जहाँ तक मेरा सिस्टम है, मैं अपने बढ़िया मेरे कार्यकर्ता है, तो मैं तो इनको सबको रखूंगा। नहीं, एक बार ये बता रहे थे कि बार बार पुत्र मोह में के चलते आप मतलब इस चीज़ को मतलब छुटकारा ले रहे, मतलब क्या जरूरत है भाई? उन्होंने ये भी कहा था कि भाई 100 लोगों को आपने मतलब वोट करके और ले लिया, तो इस वजह से भी जैसे सुनने को आ रहा था कि पुत्र मोह को लेकर के भी सारी चीज़ें। चलिए ठीक
ठीक है आप यूँ कहो ना, अगर दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, मेरे को कोई मोह नहीं है, मेरे को ऐसे कोई मतलब नहीं है, कोई मोह नहीं है, प्रशासन पे विश्वास करते हैं। हाँ, प्रशासन पे विश्वास और मेरी कार्यकारिणी पे विश्वास है, ये सत्य है। आपने मंजूर नहीं किया इस्तीफा भी किसी नहीं, नहीं जी नहीं, और करूँ भी नहीं। कंक्लूड ये है कि आपने पर्चे नहीं पटवाए, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ठीक, धन्यवाद सर।